ये है चाहते की कहानी में ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट आते ही जा रहे हैं। कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्जुन वर्मा फाइनली हनीमून से वापस आ गया है और प्रिशा को मिलने के लिए आएगा। प्रिशा से वो कहता आएगा नजर कि हम कल ही खुराना हाउस जाएंगे और सबको सच बताएंगे, जिसके बाद महिमा सलाखों के पीछे होगी और जेल में होगी। प्रिशा अगले दिन खुराना हाउस पहुँच जाती है और सबको इकट्ठा करके कहती है, उस दिन आपने मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की थी ना, लेकिन मैं आज आपके सामने सबसे बड़े आपके झूठ को बताऊंगी कि आपने कैसे दोनों फैमिलियों को झूठ दिया है। तभी वहां पर रुद्राक्ष आता है, कहता है, तुम साफ साफ बोलो आखिर कौन झूठा कौन सच्चा, तुम कहना क्या चाह रही हो। प्रिशा यहाँ पर कहती है कि तुम दोनों फैमिलियों को धोखा देती आई हो, लेकिन आज मैं साबित कर दूंगी कि मैं सही हूँ और तुम गलत। रुद्राक्ष कहता है कि क्या तुम्हारे पास ये जो तुम कह रही हो इसका कोई सबूत है? तो प्रिशा बड़े ही सीने ठोकर के कहती है कि हाँ, मेरे पास सबूत है और मैं आज ये साबित कर दूंगी कि महिमा वाकई में असलियत क्या है इनकी। और जैसे ही प्रिशा मुड़ती है वो कहती है, अर्जुन वर्मा तुम अंदर आओ। अर्जुन वर्मा की एंट्री होती है बड़े ही शॉकिंग तरीके से, जिसे देखकर महिमा के होश उड़ जाते हैं। महिमा सोचती है अचानक से अर्जुन वर्मा और प्रिशा का क्या कनेक्शन है, ये दोनों एक साथ खुराना हाउस में क्या कर रहे हैं। ये सोचकर प्रिशा के सामने महिमा के फेस का कलर उड़ जाता है। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि अर्जुन वर्मा एंड मौके पर आकर क्या अपनी चाल बदल लेता है। क्या वो प्रिशा की जगह महिमा का साथ देगा, क्या वो महिमा के खिलाफ गवाही देगा, या फिर एंड मौके पर हो जाएगी शो में कुछ और ट्विस्ट के चलते पूरी कहानी उलट पलट, ये देखना होगा कल रात के एपिसोड में। काफ़ी इंटरेस्टिंग। वेल, आपको क्या लगता है कि क्या अर्जुन महिमा के खिलाफ कोई गवाही देगा या फिर प्रिशा को धोखा दे देगा ऑन स्पॉट लास्ट मोमेंट पर? अपनी अपनी राय कॉमेंट जरूर करें। Yeah.